जल्दी ये जल्दी ये ट्रिप चालू हो गई है भाई का पेपर है और फटाक से आ गए और मन बहुत जल्दी से जल्दी किया हूँ। मैं आपको आगे की जर्नी बाद में दिखाता हूँ क्योंकि गाइस मैंने शर्ट भी नहीं पहना हूँ अभी और बहुत फास्ट में जा रहे हैं। तो गाइस अभी भाई से मिल गए और फूके है जो कि अंदर भी नहीं आए, देख सकते हो बाद में इनको लेते। तो गाइस बहुत गर्मी हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ये सौरभ भाई का पेपर है, काय का है भाई? जेई एडवांस का है, जेई एडवांस का है। क्यों भाई पर देने जा रहे हैं बताएंगे नहीं क्या? शर्ट भी नहीं पहना गाइस, बहुत जल्दी जल्दी किया कसम से, मैं लिटरली बहुत फास्ट किया, बहुत फास्ट सारा चीज बहुत जल्दी जल्दी बाजी में किया होगा। हाँ बहुत ज्यादा फास्ट किया भाई, 5:30 बजे उठा मैं, साढ़े पाँच बजे उठ के नहीं गया, सारा का सारा पूरा काम किया। हाँ साफ सुफ किया, पूरा पूरा घर साफ किया, झाड़ू पोछा सारा। अरे भाई तो हाँ मैच करूंगा मगर इतने जल्दी जल्दी में किया, तुमको पता है ना मेरे को कितना टाइम लगता है, नहाने को भी कितना टाइम लगता है, मगर इतना फास्ट फास्ट किया कि कोई हद नहीं। अभी देखो ना अभी टाइम हो रहा है, नहीं 6:45 हो रहा है गाइज। तो गाइज आपको आगे मिलता हूँ फटाफट। हाँ तो गाइज देख सकते हो पूरा कोहरा ही कोहरा मचा है, पूरा कोहरा ही कोहरा, जिधर उधर कुछ रोड नहीं दिख रहा आगे का, देख सकते हो पूरा का पूरा पूरा बहुत ज्यादा कोहरा पड़ गया है गाइज। ऐसे इसमें गाड़ी चलाना बड़ी डेंजरस है मगर हमारे बाबू पूरे प्रोफेशनल है, फटाफट पहुँचाना है क्योंकि बहुत जरूरी काम है, तो वो काम बता नहीं सकते। हाँ तो गाइज पूरी रफ्तार से नागपुर में एंट्री होने जा रही है और हो गई है, अभी हम फटाफट आए भाई, देख सकते हो वो अभी जा रहा था काम से फटाफट से आए हैं, नागपुर में एंट्री हो गई है, जल्दी जल्दी जाना है सही। तो भाई बहुत भयंकर चला रहे गाड़ी। हाँ तो चालू हो गई दोस्तों, ये है अपना हमेशा की तरह राम झूला, यहाँ तक के पहुंच गए हैं फटाफट से। भाई को हो रहा है लेट, लेट हो रहा है ना, जंग पे जाना है ना, उनको 6 घंटे की जंग है बोलते ना, उस जंग की बात। यहाँ से देखो इधर सदर कोराडी रेलवे स्टेशन भी इधर ही है गाइस, साइड में ही है अपने, देख सकते हो इधर नागपुर ऑरेंज सिटी। और गाइस सूरज देवता भी प्रकट हो गए, देखो दिखेंगे। हाँ सूरज देवता भी प्रकट हो गया और अपने घड़ी में 7:30, काफी ज्यादा गाड़िया है क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। बहुत सारी भर भर के गाड़िया है, काफी ज्यादा लाइन भी लगी है, देख सकते हो काफी ज्यादा लाइन भी, बहुत ही ज्यादा लाइन है गाइस, बहुत ही ज्यादा पूरी भीड़ के साथ चल रहे है, भाव भी जाएगा फटाफट। अब देख रहे गाइस गाड़ी कहाँ पर लगाए, थोड़ा सा देख रहे कहीं मिल जाए जगह तो, क्योंकि गर्दी तो बहुत ज्यादा है और फिर निकलना है। सारा चीज ले ले भाई फटाफट, वह कटिंग वटिंग करके आया ना, कुछ स्पेशल है क्या? भाव भी कटिंग किया पूरा, वो चोंगू चोंगू दिख रहे पूरे, सिर्फ सचा क्यों भाई, फीलिंग कैसी आ रही? फीलिंग पूरे पहले से मतलब व्लॉग में था। अरे बस फीलिंग कैसी आ रही मैं बताया थोड़ी, जल्दी जल्दी कर ले फटाफट, टाइम होते जा रहा है, टेंशन नहीं, 6 घंटे की जंग है अपनी, जंग जीत के आना है तेरे को। तू यहाँ पे कर रहा क्या? तो हम बोले तेरे को कि वहाँ पे है टर्निंग, तुम्ही गेट वर करत का होता मगा पास, मी म्हणल तिकडे आलो आम्ही दोघे, हाँ नाही इथपर्यंत हो भाव, थोड़े सेकंड होता म्हणते भाव, सीधा सीधा बोल दिए भाई ने। अभी जो अपना काम था वो हो, हम निकले हैं थोड़ा सा अपनी सोई लगाने को वो सोए जो होती है वो सुबह वाली सोए है गाइस सुबह वाली सोए लगाने को जा रहे हैं। अभी इधर सारे शोरूम्स देखने मिलते हैं आपको, ये वाले इधर पे पूरे ही तलाव चजंबो तलाव तलाव ते भी है, देखिए अभी हल्दीराम में एक नंबर। ये रोड पे आपको सारे शोरूम्स देखने मिलेंगे, बहुत बड़े 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 शोरूम्स देखने मिलते हैं। सोए बहुत देख रहे हैं गाइस मगर सोए कुछ मिल रही नहीं है क्योंकि टाइम हो गया है सिर्फ 8:32 और 8:32 में अभी फिलहाल में तो कुछ खुलता नहीं है और देखते हैं अभी, नहीं तो भाई सीधा सीधा बर्डी पे मिल जाएगा तुमको 110%, सीधा सीधा बर्डी पे मिलकर बर्डी का हल्दीराम पे एक नंबर होता है, वहां पे सोई भी लग जाएंगी, जबरदस्त काम हो जाएगा भाऊ का, पूरा फुल मजा।
हाँ तो गाइज अभी पार्किंग में लगा दी अपन ने गाड़ी, वो भी पार्किंग फ्री है गाइज, वो है अपनी मेट्रो की पार्किंग। हाँ गाइज मेट्रो की पार्किंग। अब भाई के लिए जाना है फटाफट, कहाँ पे इनकी मतलब खातिरदारी हो सके। हाँ तो गाइज अपना जो काम है ना वो हो जाएगा अभी, ये हल्दीराम में बहुत ही अच्छी तरीके से फटाफट से जाना है और नंबर लगाना है। हाँ तो गाइज अभी अपन ने ले लिए है चाय, अभी चाय से होगी शुरुआत अपनी सुबह की पहला, क्योंकि नाश्ते से पहले चाय चाहिए गाइज। एक नंबर बनाई है सच्ची में, प्रॉपर तरीके से सोई हो गई क्या भाई? पूरी एक नंबर फैसिलिटी मिली क्या? पूरा मजा आया। मगर भाऊ तुम्हारे बनने का है क्या? अरे भाऊ का प्रेशर बनने का अपने को तो भाई एक ही बात ना, मतलब बड़ा प्रॉपरली, मतलब कुछ ऐसा नहीं ना, क्लीनलीनेस हल्दीराम को क्या बोलोगे, क्लीनलीनेस। अरे बस मतलब पूरा चलो सही। गाइज अभी भाई आया है, भाई आया अपना काम करते, और अभी हमने फिर से मैंने तो चाय पिया हूँ इसके पहले आपको बताया, और अभी फिर से और एक चाय पी रहा हूँ। चाय लवर अच्छा नहीं है क्यों भाई? नहीं भाई मेरे को पसंद आई। हाँ नहीं मेरे को अच्छी लगी। हल्दीराम को बराबर ट्रक आ रहे गाइज, खाना वाना लेके आए होंगे, हल्दीराम के साइड में ही है हम। जल्दी जल्दी जाना है ना अपने को। चलो फटाफट अभी पार्किंग से निकलते हैं अपन। हाँ तो गाइज अभी हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं, अभी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेंगे। जो घर से आया है डब्बा उधर से जवाहर नगर से आया है सातालाबाद। हाँ क्या 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 लाया बोले? फोड़नीसाबाद काउन का ऐसा कैमरा निकता नहीं, ऐसा शरीफ नहीं मनाए, सातालाबाद मनाए सिद्ध सातालाबाद। अभी ये इधर ही रुके है, कोई है बड़ी साइड में ही रोड, इधर कुछ है मतलब ये बड़ी वाला, ये इधर लोहा पुल वगैरह है उधर से ही आए हैं अभी हम। अभी हम फटाफट खाते हैं काली। अरे दिख रहा नहीं, हाँ खोलो। हाँ ये है अपना सातल्ला भात, क्लोज अप लुक, एक नंबर, खाओ रे गजब। क्या रिव्यू करना चाहोगे? हाँ तो जल्दी से खाओ ना, तो फिर रिव्यू दो, मतलब उनको भी फीडबैक लग जाएगा, वैशाली काकू को भी कि कैसा बना है। हाँ बताओ मस्त मस्त मस्त, क्यों जल्दी जल्दी बना के दिया है ना बाबा। और तुमको कैसा लगा सेट? मैंने खाया नहीं है, मैं खाता हूँ अभी। इनका जबरदस्त है तो मेरा भी एक्सट्रीम जबरदस्त होगा। हाँ तो गाइस अभी हम तीनों भी खा रहे हैं नाश्ता, बहुत ही मस्त बना है, एक नंबर बोलोंगे कि खाया भी नहीं। और कैसे बता रहा तुम भाई, बना है भरोसा रखते हम। महक आ रही है, बोलती हूँ महक आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू लड़की नहीं महक। अरे महक भी लड़की का नाम हो गया, अपने बहन का नाम है। सुंदर छान स्वादिष्ट बनवलेलं आहे, तर आम्हाला खूप खूप आवडलं, छान एक नंबर। हाँ तो गाइज कैसे रख रहे हैं आपको ब्लॉग्स वगैरह, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, ऐसे ही आप देखते रहते हो बट आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मैं आपके लिए और भी ऐसे रोजाना अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहता हूँ। अभी भाई बोल रहे किधर जाना, मैं बोला भाऊ को बताओ किधर जाना, क्या डिसाइड होता है आप बताओ, जब तक की वीडियो जाएंगे आप बताते बताते हम निकल जाएंगे कहीं के कहीं। भाऊ को तुमको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए? ड्राइवर लेके जाएंगे जाएंगे। अरे देखो भाऊ तुम्हारे पे अभी, अब तुम देखो कहाँ लेके जाते हैं हमको, तो अभी अब भाऊ वो आईना नहीं है, वो आईना नहीं है अपना, कार वॉशिंग करने दाढ़ी देख रहे हैं। देखो देखो अच्छे से दिखाओ व्यूअर्स को, कार वॉशिंग करने के लिए जाएंगे बोलते हैं, घर पे तुम देते थे 400-500-600 रुपए लेंगे मिनिमम कार वॉशिंग के, लेते हैं अपने ये i20 के 450 रुपए लेते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आपको नागपुर में बताओ ना, नागपुर में अगर 250 रुपए में मिलती होंगी ना, तो मेरे तरफ से आपको KFC डन,
पक्का ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पक्का ना? नहीं ऑन कैमरा नहीं बोल रहा मैं, मैंने मैंने मजाक में बोल दिया, मेरे से गलती हो गई। 200 रुपए में कार वॉशिंग, इनको पता होगा कहीं कार वॉशिंग का, तो फिर ये मेरे पे लग जाएगा पक्का। इससे अच्छा भाई नहीं पता मेरे को, नहीं होती 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 है 150 रुपए में भी होती है, तुम्हारे हिसाब से जितने रुपए में बोलो उतने रुपए में कार वॉशिंग होती है। 199 में कहाँ पर? चलो भाई अगर जरा अच्छा रहा तो आपको दिखाता हूँ, आप भी चले जाइएगा नागपुर सिटी में कार वॉशिंग, देखते हैं अभी आगे का दिखता भी है नहीं दिखता है। हाँ तो दोस्तों अभी सौरभ भाई आएगा, उसको क्या खिलाएंगे वो सोच रहे थे, तो भाऊ बोल रही कि उसको मैगी खिलाएंगे। वो कैसे होता है बकरे को काटने से पहले पूछते ही नहीं कि भाई तेरे को काटू या नहीं काटू, ऐसे वाला चीज हो गया। भाऊ का क्या पसंद का है क्या नहीं, बस भाऊ ने बोल दिया उसको मैगी खिलाएंगे। ये गाइस नागपुर का तिल्य मॉल जो कि ओपन होने को टाइम होगा शायद, देखेंगे जमेगा तो जाके दिखाऊंगा आपको नागपुर का तिल्य मॉल। हाँ तो गाइस बहुत कोशिश कर रहे हैं कार वॉशिंग सेंटर ढूंढने की, बट तो मिल रहा नहीं है गाइस। मतलब इतना बड़ा नागपुर है मिलेगा अपने को, मगर नहीं क्या अभी 2-3 जगह गए ना गाइस वो बंद ही निकला अपना, तो अभी और थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर और आगे जाए तो देखते हैं गाइस वहां पर अपने को कार वॉशिंग सेंटर मिलता है या नहीं। फिर क्या धोंगे नहीं क्या भाई? पर भाव ने तो बोले भी है 250 रुपए में धोके देते, तो देखते वो 250 रुपए में धोके देते या फिर कितने रुपए में धोके देते, देखते वहां पे जाके पता चलेगा अपने को। हाँ तो गाइज वही हुआ, वहां पर भी गए वो भी सेंटर बंद था, हमको मिल रहा ही नहीं है, क्या करे गाइज अभी कहाँ पर जाएंगे? अभी जाते क्योंकि उधर ही जाते सेंटर तरफ, उधर अगर जब मिलता है तो हम वही पे धो लेंगे, नहीं तो देखेंगे बाद में, बात का बाद में। तो गाइज फाइनली अपने को कार वॉशिंग सेंटर मिल चुका है, और जो कि ये देख सकते हो ये कार वॉशिंग सेंटर है, प्राइस भी काफी कम है 300-200। तो देखो गाइज अभी अपनी गाड़ी आ रही है, अभी यहाँ पर लग जाएगी अपनी गाड़ी रैंप पर, देख सकते हैं अभी रैंप पर चढ़ा रहा है भाऊ उसको। फाइनली अभी अपनी गाड़ी रैंप पर चढ़ रही है, फटाफट से धुल जाएगी वॉश हो जाएगी और फिर मिलता हूँ आपसे फटाक से। गाड़ी अभी देख लो कितनी गंदी हो चुकी है इधर वगैरह से, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है गाड़ी, अभी ये वॉश करके मिल जाएगी अपने को बहुत ही फास्ट, बहुत जल्दी फास्ट। ये है सारा चीज़ निकाल लो मस्त तरीके से, नहीं सारा चीज़ वो ड्रावर में रख दो फिर सही रहता है, उससे निकालने का मुंह छुपा के नहीं रखने का, मुकड़ा छुपा के नहीं रखने का, तुम्हारा मुकड़ा बहुत मूल्यवान है। अरे तुम इतने हैंडसम बंदे हो, सबसे ज्यादा हैंडसम बोले तो भाई है, और रोहित भाव भी नहीं है, वो ऐसे बोलते रहता मैं हैंडसम हूँ करके, वो भी नहीं है हमारे शशांक भाव हैंडसम है। नहीं नहीं रोहित भाव नहीं नहीं रोहित भाव हैंडसम नहीं है, पहले शशांक भाव हैंडसम है। रोहित भाई देख ले रही है नहीं भाई अपन वो अभी फिलहाल गया है रायपुर, वो उधर से अभी हैंडसम बनता है, उसको उधर का पानी सूट होता है या क्या होता है अभी देखते हैं, उधर का रिव्यू क्या आता है थोड़ी क्या है ये। हाँ सारे चीज हाँ 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 ये सर्व गोष्ठी काटून टाको, आपका नज़ारा देख लो गाइस पूरा इस तरीके से गाड़ी है, और आप यहाँ पर आ सकते हो रीजनेबल रेट है, अभी देखने अभी गाड़ी धोने के बाद पता चलेगा कि फाइनली कितना रुपये लगा है गाड़ी धोने में। हाँ तो गाइस अभी यहाँ पर गाड़ी वॉश हो रही है, भाऊ वगैरह बैठा है इधर उधर है देख सकते हो पूरा भाई उधर है। तो अभी जो है ना मैं कुछ काम ही कर रहा हूँ, मतलब जो बर्थडे वाला ब्लॉग था ना गाइस वो सिमरन वाला, उसको एडिट कर रहा हूँ, उसको जल्दी से जल्दी आज के आज डालना है इसलिए उसको एडिट कर ले, तो ऑन दो को अपन एडिट कर रहे हैं, ऑन दो को देखो यही वाला ब्लॉग है गाइस जो अपन एडिट कर रहे हैं दुकान में बैठ के ही। देख सकते हो अभी अपना वॉशिंग चालू है गाड़ी का, पूरा फुल तरीके से अंकल वॉश करके दे रहे हैं अपने को, बहुत ही सही तरीके से सारी चीज़ें हो रही है फटाफट से। अभी देखो गाइस कितनी गंदी गाड़ी है, और अभी आपको देखना थोड़ी ही देर में ये चमक जाएगी गाड़ी, चमकने के बाद आपको दिखाता हूँ पूरा कि किस तरीके से चमकी और कितना रुपये लिया है। भाऊ बोल रहे थे 250 रुपये लेंगे, 250 रुपये नहीं 350 रुपये लिया है भाऊ, चलो देखते हैं अभी वॉश होने के बाद पता ही चलेगा अपने को मतलब कैसा क्या है। और भाऊ अपना अलग से अलग देख रहा है, क्या निरीक्षण कर रहे हो भाऊ आप? ऐसे मतलब हाँ वो मतलब कभी जम सके तो अपन भी डाल देंगे छोटा मोटा। हाँ क्या एक फ्रेंचाइजी खोल देंगे इधर कार वॉशिंग सेंटर चाकोली नंदेश्वर परिवार। हाँ तो गाइज अभी अपना ब्लॉग भी एडिट हो रहा है, और गाइज यहाँ पे वार्निंग आ चुकी है मेरी स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बराबर नहीं हो रही है, और गाड़ी भी अपनी वॉश हो चुकी है अच्छे तरीके से। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो अभी कितनी गंदी हो गई थी अपनी गाड़ी, और अभी कितनी साफ़ हो चुकी है,
बहुत ही जबरदस्त साफ कर दी है भैया ने, आपको दिखाता हूँ मैं पूरी खोल के, देख सकते हो पूरी क्लीन आउट कर दिया और यहाँ पे पॉलिश भी मार के दे दिया है गाइस। और भाई कितना लिए, पूरे पूरे जबरदस्त करके दिए है, और आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये है अपना नाम और यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाती है भैया ने किए है और सारी। भाई कितना कितना हाँ ठीक है, अभी तो बोला था ना पहले। तो गाइस मेरा ब्लॉग भी एडिट हो रही है, थोड़ा सा बचा है और। तो दोस्तों अभी आए हम ये ट्रू वैल्यू में, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है अपने को, अगर जब कार मिलती है क्या सीएनजी वगैरह। तो यहाँ पर सारी कार्स रखी है, देख सकते हो बहुत सारी ढेरों कारें रखी है, बट अपनी रिक्वायरमेंट है सीएनजी कार, अगर जब मिलती है तो परफेक्ट देखते हैं। निराश होकर जा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर सीएनजी गाड़ी मिली ही नहीं, वो बोले उधर दूसरे शोरूम में देखो, बोले सर यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो बोला चलो कोई बात नहीं आगे देखेंगे कहीं मिलती है तो। हाँ तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, अभी भाई को लाना है बाहर थोड़ा सा, उसको कुछ खिला विला देते हैं, मगर हमारे साहब जो है वो मस्त सी नींद ले रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत सही नींद ले रहे हैं। अब इनको उठाए या ना उठाए भाई, ऐसी वैसी नींद, बहुत देर से गाड़ी ऑन है विथ एसी पे ऑन है, मस्त सोया है भाव। अभी व्लॉग में देखेंगे वो कि मैं किस तरीके से सोता हूँ करके, तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो यहाँ से खुलना पड़ेगा लॉक, उधर से खोलिए लॉक, पीछे देख लेने का, कभी भी अपन डोर ओपन करने से पहले पीछे देख के ओपन करिए, देन बाहर हो जाइए। तो चलिए शुरू होती है अपनी जर्नी, अभी आ जाओ भाऊ को सोने दो थोड़ा सा, वो सोएगा बाद में आएगा। तो अपन अभी जाते हैं भाऊ को लेने के लिए, तो सही से आगे का दिखाता हूँ रोड, इस तरीके का रोड है पूरा जूम करके ना, बहुत बहुत ज़्यादा जूम होता है, काम ही अलग है। मास्क वास्क पहन लिए भाई अपने? मैं भी पहन लूँ क्या? पहन लेता हूँ। अभी आ गया हमारा भाई जंग जीत के, अभी और 3 घंटे की बाकी है, 3 घंटे हो गए, कितने भाई बाकी है भाई? 3 और 3 घंटे बाकी है। और जो डब्बा लाए थे ना सुबह हम खाए, आपको दिखा है, तो भाई के लिए एक भी डब्बा नहीं रखे, हमने खा लिया पूरा का पूरा, उड़ा रहे मेरे वाले। चल रहा है भाई काम, चल रहा है लैपटॉप पे, क्या करे, चलते चलते फिरते फिरते अपने को काम करना पड़ता है। और यही व्लॉग शायद ये भाई के भी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा, तो इनका है सौरभ व्लॉग्स या सौरभ नंदेश्वर करके नाम रहेगा, तो यहाँ पर भी चल जाओ और इनका भी वीडियो देख लेना, यही वीडियो देखना। ये अभी हम नाश्ते की दुकान देख रहे हैं, मतलब क्योंकि भाई को नाश्ता खिलाना पड़ेगा ना, और ऐसा नाश्ता खिलाना है कि जिससे नींद ना आए, हल्का 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 नाश्ता खिलाना, ऐसे तेरे को याद में रहेगा पगले की मैं। अरे ते राव दे, आपला कॉपीराइट वाला नहीं है तो यूट्यूबचा सॉन्ग आहे, तर तेवढं काही टेंशन नाही आपल्याला, है की नाही? म्हणला काय असे एकड एकड असं सांगत जा बाहेर गेली ती आणि ते हा। तो गाइस अभी आए है हम नाश्ता करने को, देखते है थोड़ा सा अभी, मतलब जगह मिल रही नहीं है अभी कर, मतलब बैठने के लिए, तो अपने लिए भी थोड़ी ही देर में जगह अरेंज हो जाएगी, फिर बैठेंगे और फिर खाएंगे यहाँ पर अपना, मतलब मिलेंगी ना मिलेंगी ना, पब्लिसिटी मिलेंगी तेरे को पब्लिसिटी मिलेंगी, बस ये व्लॉग को तो पूरा ऊपर तक के लेके चल जा। और देख सो पूरे फुल पावर में बारिश चल रही है, पूरे फुल इसमें बारिश, बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अब देखेंगे फटाफट, क्योंकि छाता वाता भी नहीं है अपने पास। हाँ वैसे तो कार से ही आया है। मी नहीं खा लो, तुम ही खा लिया, मी नहीं खा लो, मी भाऊ खा लो, मले देला तो खा लो न, भाऊ ना खा लो न, सब ला के मेरे पे पटक रहे। अरे पण तुझ्या साठी, हो पण तुझ्या साठी जास्त आणणार होतो, म्हणजे आम्ही नाही का असं म्हणजे चांगल्या चांगल्या रेस्टॉरंट मध्ये, असं असं चांगल्या रेस्टॉरंट मध्ये तुला खायसाठी आणणार होतो, तसं नाही राजा, तुला तर छान छान जागेवर खाल्लं तर चांगलं वाटतं म्हणून कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, मैं यही बोल रहा था आपको कि ये जो है मुंबई वाला वगैरह कुछ तो भी है बोलते हैं, ये भाई की चॉइस थी तो, कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वैसे अपन गरीब पड़ते हैं ना थोड़ा सा, अब दिल के अमीर है, पैसे से अमीर नहीं है ना, तो दिल का गरीब है तो अभी है बैठे है, अभी ऑर्डर किए है, अब देखेंगे से बन के आएंगा सारा, फिर देखते हैं टेस्ट, या खाकर बताता हूँ कैसा टेस्ट है यहाँ पे। और अभी टाइम हो रहा है
एक बजने को 10 मिनट बचे। हाँ तो गाइस अपना नाश्ता आ चुका है, देख सकते हो ये मेरा दही वड़ा है और ये दही समोसा है और ये है छोला भटूरा और ये भाई ने फिर से लिया है दही समोसा, तो ये सारा है गाइस। तो अभी इसको खाते हैं और आपको बताता हूँ टेस्ट वगैरह कैसा है। हाँ तो गाइस अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ अपना ये दही वड़ा इस तरीके से बना है, देखते हैं। क्या फीडबैक देना चाहेगा? इतना खास नहीं था, मजा नहीं आई, पैसा बहुत ले रहा है। हाँ ऊपर से क्या सर्विस नहीं दे रहा। और क्या पानी बोतल नहीं मिला अभी तक? क्या अभी तक पानी नहीं आया? हाँ अभी तक पानी बोतल नहीं मिला है अपने को। का मनला चेहरा खराब छे। कोणाल पाऊल द्यायचा आहे तुला आपल्याला? अभी नाश्ता हो गया, अभी फिर से सेंटर पर जा और अपन ने नाश्ता किया ये बॉम्बे वाला में और अभी जा रहे हैं अपन फिर से डाक मस्ती कराने। चलो डाक मस्ती तो फटाफट से जाते हैं अभी अपन सेंटर पे। हाँ तो गाइज अभी हम आए हैं फिर से सेंटर पर और भाई को छोड़ने के लिए अभी फिर से जाएगा भाव। जंग जीतना है तेरे को और 3 घंटे की जंग है, मतलब आज टोटल 6 घंटा पेपर दिया है। लाइफ में कभी दिया है क्या और इतना बड़ा पेपर? कब दिया है? अभी। अरे तो अभी दे रहा है ना, इसके पहले कभी दिया क्या? भाव ने दिया होगा अपने। दिया ना। कब दिया भाई? कब स्कूल में दिया मैं? एक साथ तीन तीन पेपर दिया, मगर 6 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे। घंटे और टाइम मैनेज करता है। और ये हॉल टिकट है भाई, जाएगा अभी। अभी देख भीड़ लगी है, देख भीड़ तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो गाइज अभी हम आए हैं इधर, क्या है ये बर्डी तरफ। व्लॉग एडिटी चल रहा है अभी, ये अपलोड हो जाएंगे थोड़ी देर में। और ट्रैफिक ने शशांक भाव सो गए हैं और भाई हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इम्प्रेस मॉल चले या फिर त्रिलेम मॉल। तो अभी देखते हैं कौन से मॉल अपन जाते हैं। तो ये है बर्डी मार्केट, ये मार्केट रोड है। इधर आपको सस्ती सस्ती चीजें मिल जाएंगी, ज्यादातर लड़कियां आती है यहाँ पे खरीदने के लिए कपड़े वगैरह। और सही है सीन, आपको दिखते ही रहता है मेरे हर किसी व्लॉग में, मतलब बर्डी तो दिखना ही चाहिए, मेन है नागपुर में ज्यादातर बर्डी मेन। सब लोग बर्डी आते ही आते हैं नागपुर आए तो, मतलब काम रहा तो। अभी कुछ बोलेंगे भाई हम नहीं जाते, भाई काम रहा तो आते ही है। और ये है दोस्तों मेट्रो स्टेशन बर्डी का। पता नहीं आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, क्या कुछ है क्या तो पता नहीं। ये है नागपुर मेट्रो स्टेशन मतलब बर्डी का, मतलब आज बहुत ज्यादा ही मतलब लग रहा है कि मतलब कुछ गर्दी है, ज्यादा भीड़ है। अरे हटिए मैम, हटिए, जाने दीजिए हमको। हमारे भाई साहब थोड़े जोश में चलाते हैं गाड़ी। लाइसेंस अपने को मिली है कार की, मगर अपन हेवी लाइसेंस वाले है, मतलब पूरे ट्रक के इससे चलाते, पूरा जबरदस्त काम, फड़ा 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 फड़ा, ना गड्ढे देखते ना अवताल देखते। देखो आपको समझ रहे होंगे कि मोबाइल कितना है करके, उस हिसाब से नहीं गया। तो दोस्तों हम फाइनली अभी तिलम मॉल जाने की तैयारी में है, देख सकते हो। अभी यहाँ से अपने को यू टर्न लेना पड़ेगा, वहां से अपने को अभी आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा और यू टर्न लेके अपन एंट्री पे हो जाएंगे तिलम मॉल के। अभी अपन चले तिलम मॉल। तो दोस्तों अभी एंटर हो चुके हैं, पार्किंग में आ गए हैं। गाड़ी पहले पार्किंग लगाएंगे, देखते हैं कहाँ पर लगाए अभी पार्किंग, क्योंकि ये बेसमेंट वाली पार्किंग है। देखते हैं इस तरफ अपने को पार्किंग के लिए जगह मिलती है तो। और ये है गाइस सैमसंग फोल्ड थ्री, बहुत भयंकर है। तो गाइस मैं आया हूँ आज रिलायंस में, इससे पहले भी मैंने फोन लिया हूँ यहाँ से सैमसंग गैलेक्सी S21 Ultra भैया की तरफ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ भैया भी। और गाइस अभी आया ये लेटेस्ट में फोल्ड 3, बहुत ही गजब फोन है गाइस इसका। क्या बोले थे? 0086। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर नहीं क्या, कैमरा भी अपने को हिडन मिलता है, मतलब कैमरा उतना दिखने को नहीं मिलता है, अभी ऐसे जब ओपन करोगे तो ही दिखेगा। और ये है भैया जिनसे मैंने फोन लिया था। तो आपको रिलायंस ट्रेंड में तो मिल ही जाएगा सर, काफ़ी अच्छे अच्छे फोन देखने मिलते हैं, बहुत ही गजब है। देख सकते हो आप ये फोल्ड किस तरीके से होता है, बहुत ही प्रीमियम फ़ोन लगता है, इन हैंड फील भी सही लगता है। और गाइज यही पे है, ये है अपना Flip 3, ये भी सेम फोल्डिंग स्मार्टफोन है गाइज, देख सकते हो, बहुत ही प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी देखने मिलती है,
ये बहुत ही प्रीमियम लगता है गाइस, इससे ज्यादा मेरे को प्रीमियम ये लग रहा है, बहुत ही सही। मतलब आप देख सकते हो हिंज भी अभी इस बार कम हो गया है और आप इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हो। और गाइस इसमें नोटिफिकेशन भी शो होगा, देख सकते हो इस पर नोटिफिकेशन भी शो होगा। हाँ, इस पर नोटिफिकेशन वगैरह सारा सारा चीज आपको देखने मिलेगा। बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही कैम भी ऑन, बहुत सही, डबल टैप करेंगे तो जबरदस्त स्मार्टफोन लग रहा है। और इससे पहले भी मैंने अपग्रेड किया था ये भैया से, तो ये रिलायंस ट्रेंड में अपने त्रिलम मॉल में ही है। तो गाइज ये ब्लॉग शूट कर रहा था, सोचा देख लेता हूँ अपग्रेड करना है अपने को, बहुत सही है गाइज यहाँ पर, तो देखना चेकआउट कर लिएगा। और यहाँ पे न्यू वॉच भी आई है अपनी, वॉच फोर वगैरह, यहाँ पे सारे स्मार्टफोन देखने मिलेंगे आपको। बस ऐसे इसी बहाने भैया से भी मिल गए अपन, तो अभी देखते हैं गाइज क्योंकि इसको अपग्रेड तो करना है, क्योंकि अपने को एक फोन पे टिकना जमता नहीं है। Hey guys, iPhone 13 Pro काफी सही दिखता है, गोल्ड कलर है, बहुत ही गजब दिखता है ये स्मार्टफोन, और सेल्फी भी काफी ज्यादा आते हैं। और ये गोल्ड कलर में है तो ज्वेलरी टाइप लगता है गाइस, बहुत गजब लगता है। ये देख सकते हो इसका जो कलर है बहुत सी सही है, और यहाँ पे काफी ज्यादा स्मार्टफोन आपको देखने मिलते हैं। भाई कोई फोन पसंद आया क्या तेरे को? सौरभ भाई, शशांक भाई को कोई पसंद आया क्या? एक फोन देख रहा है। देख रहे हैं क्या? मैंने तो बहुत सारे फोन पूरे यहाँ पर, पूरे यहाँ पर कैसे कैसे ऊपर जा रहे हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं ना। मैं भी जा रहा हूँ। नहीं नहीं पड़त नहीं, पड़ना कसो मी, माझे मास्क तुटला एक साइड चा ये डंडी, एक 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 याच्यावर हा हिलगुन है, एक एक याच्यावर हिलगुन है। चांगला है, आम्ही आले आता तिल्लम मॉल मध्ये, बघू शकता इथे लाइफस्टाईल आहे आणि सर्व गोष्टी आहे, पूर्ण सर्व काही बघायला भेटतो आपल्याला। हे आहे नागपूरचं तिल्लम मॉल। मी कसा का तुम्ही चारा? मी नाही चारा। अबे याचा कटला, माया कटला, तू राहिला महा कुठे कटला का? माया माया कटला ना, महा पूर्ण पूर्णच कटून पुरा हे झालाय गाइस। तिल्लम मॉल वो है अपना लव, के एफ सी अपना लव। नहीं 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 लव नहीं नहीं, अपन के एफ सी एफ सी नहीं जाएंगे भाई, पैसा लगता है। आप लेके जा रहे होंगे तो मैं आंखें बंद करके आने को तैयार हुआ। ये भाई टिकू भाई जा रहे होंगे तो मैं परफेक्ट आने को तैयार हूँ। लेके जा रहा होंगे तो हम आते, नहीं तो फिर हम घर जाए। नहीं रे बाबा, तुम बड़े भाओ, बड़े 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 बड़े, 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 बड़े। इधर इधर डोमिनोज है और इधर के एफ सी है। आए हैं गाइस लिफ्ट के पास, देखते हैं हमारी लिफ्ट आ रही नहीं है, कब तक क्या आती है। तो हाँ ये है भाई आर्टिस्ट। तो गाइज अभी अपनी गाड़ी है सबसे ऊपर में ये वाली, और नीचे में गाड़ी है। अभी देखो ये किस तरीके से हटाते हैं, बहुत ही यूनिक तरीका होता है। भाई को नहीं पता होगा शायद, तो मैं भी देखो अभी कैसे उतरती है अपनी गाड़ी ऊपर से नीचे। हाँ तो गाइज अभी अपनी गाड़ी निकल रही है फाइनली, ये नीचे की गाड़ी आगे हो जाएगी और फिर अपनी गाड़ी नीचे आएगी, ये काफ़ी ज़बरदस्त सीन होता। अभी अपनी गाड़ी आ रही है धीरे 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 नीचे 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 नीचे, देखो गाइस बहुत ज़बरदस्त। और अभी टाइम हो रहा है, देखो इतना टाइम हो रहा है, मतलब 3:30 बज रहे हैं अभी, और फटाफट से अपनी गाड़ी नीचे आ जाएगी और फिर अपन बुर बुर किधर भाऊ किधर बुर 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 बुर। अभी फाइनली नीचे आ गई है गाड़ी। कंटेंट कोई भी हो यार, शूट करो और डालो, कंटेंट की कमी नहीं है अपने पास। सही, अभी अपन अब जाएंगे फटाफट। भाई खोलो। सही, अभी अपन निकल रहे हैं, पता नहीं अभी किधर निकल रहे हैं।
अभी मोबाइल लेने जाना है फिर से। वाह वो सही लग रहा है, लाइट लगता है तो सही है, गजब लगता है, अच्छा व्यू मतलब आता है फेस पे वगैरह। हाँ और एक चीज बतानी थी गाइस आपको, बताता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों एक चीज आपको बतानी थी, वो जो मॉल के बारे में नहीं किया कि आपको मॉल में अभी एंट्री चाहिए ना गाइस, तो उसके लिए वैक्सीनेटेड होना जरूरी है और दोनों भी वैक्सीन चाहिए आपको। और वहां पे मैंने देखा था गाइस, वहां पे प्रॉपर लेबल लगा था, वहां पे कोविडशील्ड ही चाहिए थी, मतलब ओनली कोविडशील्ड वालों को एंट्री थी। अगर आपको कोवैक्सीन लिए हो और आपको एंट्री मिल गई होंगी तो वो मेरे को नहीं पता, बट वहां पे था मेरे पास विद प्रूफ है। क्योंकि भाई ने कोवैक्सीन ली है और उनको एंट्री मिल गई है, बट वहां पर नहीं गया, वहां पे मेंशन किया था कि कोविडशील्ड वालों को ही एंट्री, ओनली अलाउ कोविडशील्ड। तो आप एक इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कोविडशील्ड पावरफुल है या क्या है, क्या चीज है पता नहीं अभी इन दोनों का मांजरा क्या है इन दोनों वैक्सीन का। बट ज्यादातर हर जगह रिक्वायरमेंट मतलब है कि कोविडशील्ड ही चाहिए करके। कोविशील्ड अगर आप लेते हो तो थोड़ी सी नहीं क्या प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, आपको बुखार वगैरह ज्यादा आता है, और कोवैक्सीन लेते हो तो उतना कुछ होता नहीं है। तो देखो आप पे डिपेंड है, बट मेरे हिसाब से बोलोगे ना कोविशील्ड ही लो, बेस्ट रहती है। अभी देखो मॉल से निकल गए अपन, नहीं तो माजी कैसे बोलते तू ना। तो गाइस अभी आए हम फुटाला तालाब की तरफ, फुटाला लेक अपना नागपुर में। देखो इस तरीके से अभी इधर कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू है, अभी बहुत कुछ बनेगा, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है नागपुर अपना। नहीं ये दोस्तों दुकान की, पता नहीं दुकान की है कि गाय की है, कुछ ऐसा लंदन वाला लुक देना चाहते हैं। हाँ उधर स्टेयर्स जो जैसे रायपुर में बनाया ना, नागपुर में बनाया, तो उधर उस तरफ जाने के लिए स्टेडियम की जैसा, हाँ उधर से जाने के लिए। दोस्तों अभी आए हम फुटाला लेक, देख सकते हो इस तरीके का है ये। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, मतलब ऐसे ही नॉर्मल ज्यादातर कप। ये देखो गाइस ये पूरा लेक है, इतना बड़ा है। ललित और ये सूरज देवता पूरे प्रकट हो रहे हैं, मुट्ठी में भी नहीं आएंगे, मुट्ठी में आ रहे, आ जाएंगे मुट्ठी में आ जाएंगे। इधर उधर सिर्फ बस पार्टी वार्टी चलती है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं चलता, सिर्फ पार्टी करते दूर दूर तक के। अभी नहीं देखोगे क्या, दाढ़ी वाड़ी नहीं देखना क्या, अभी मास्क उतारे तुमने हैंडसम बंदे निकाल लिया, हैंडसम दिस इज हैंडसम ब्रदर, नहीं रोहित भाई सबसे हैंडसम। रोहित भाई सबसे हैंडसम क्या वो अभी रायपुर का पानी सूट होता है क्या, देखो ना उनको रायपुर में डूब जाएंगे। चलो सही है, वो तो गाड़ी लेके ही आए भाई, पूरे फॉर्म में चल रहे सब बराबर। क्या है दोस्तों हम चाय पीने क्यों फुटाला पे, देख सकते फुटाला पे चाय पीएंगे, अभी यूट्यूब बहुत चाय ले रहे, चाय रहेंगे पियेंगे और हंस रहे हमारे पे। काय को हंस रहे बहु मेरे पे, हंसते चलो, हमको हंसते चलो बोला, तेरे को चाहिए क्या भाई? नहीं नहीं मस्त एक नंबर चाय, मज्जा गजब। देखो भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे से दूर बैठे ये दोनों भाई, उदास जिंदगी। अभी हो गया दोस्तों हमारा या फुटाला का, अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट जाते हैं कहीं, देखते हैं फटाफट। फाइनली हो गया अपना फुटाला देख के, अभी देखते हैं क्योंकि भाई को आने के लिए और डेढ़ घंटा बचा है अपने पास, तो अपने पास और डेढ़ घंटा टाइम है। तो देखो अभी ये दोनों भाई का क्या प्लान रहता, क्या नहीं, इनके खिचड़ी में क्या पकते रहता, नहीं इनके कुकर में क्या पकते रहता, कुकर्स भी इधर ही है ना ऐसा, हाँ उधर भी सही सही सीन है, सीन्स कुछ नहीं है। तेलंगाना गार्डन वो कौन सा, शिव मंदिर है और इधर तेलंगखड़ी गार्डन तो चाहिए गार्डन। देखो गाइस अभी इधर तेलंगखड़ी गार्डन है बोलते हैं भाई, ओ हो वारी ड्राइवर तो चार, हमने कब बोला कि ओ महिंद्रा थार गजब, महिंद्रा थार क्या सही दिख रही ना भाई, बहुत सही दिखती है। इधर ही है क्या, हाँ तेलंगानी गार्डन, ये मैंने क्या गूगल पे देखा था,
ये बंद है अभी, ये लंकनी गार्डन। वॉकर्स सही रहता है वहाँ पे बैठते ना लोग शायद, मे भी वो सही रहता है। मारो एक ड्रिप बड़ा से। नहीं है कोई। गजब 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 गजब। वो नहीं है अभी। वो थार क्या भयंकर निकली ना यहाँ से, बहुत ही भयंकर थार। वो है भी ना, वो थार है भाई। थार और सब गाड़ियों में फर्क है कि नहीं? अच्छा गजानन महाराज मंदिर पण अगं माहित कसं बा फिरवलं नाही। तुम्ही एक जमाने में कपल इस्ते ना भाऊ? इकडे नाही भाऊ, भी एक जमाने में कपल ही था ना, अभी टूट गया। भाऊ 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 दिखाएंगा, ये वीडियो दिखाएंगा। मदर डेरी यादें में कंपनी, मदर डेरी। हाँ मदर डेरी ये कंपनी है, यहाँ से आता है। तो देखो गाइस मदर डेयरी कंपनी नागपुर में, ये कौन सा एरिया में पड़ती है? सेमिनरी हिल्स में मदर डेयरी कंपनी पड़ती है। यहाँ आगे जरा आपका प्रोडक्ट खराब आता है तो यहाँ पे आके बोलो। सही है ना बाबा? बताए अपन ने एक जरिया बता रहे कंप्लेंट करने का, मतलब अगर गलत होता है तो ऐसे बेवजह मत आओ। अगर यार कुछ गलत होता है तो आप आके यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करो और इसका नाम बताओ। नहीं नहीं मेरा नाम मत बताओ, मेरा नाम मत बताओ, मेरे को फंसाओगे क्या? तो घाट रोड से जा रहे हैं। घाट रोड है कौन सा है? घाट सेक्शन से जा रहे हैं। और वो देखो गाइस वो बस कितना धुआं उड़ा रही है, हम पे चालन बनाती है पीयूसी की। फिर ये जो नागपुर की बसे रहती है गवर्नमेंट की, इन पे चालन नहीं बनाती है, हमारे पे चालन बनाती है। इन पे चालन बनाओ ना यार, हमारे पे ही चालन बनाती है। यो देखो एक के पीछे एक बस आ रही है, इधर से ही अलग बस है और वो एक बस आ रही है अपनी उधर से। बस सही है भाई, सही है। हमारे पे चालन बनाओ, इतना धुआं उड़ रहा है उस बस का, उस पे मत बनाओ। हम पे फटाफट चालन बनते है, वो गाड़ी पे चालन नहीं बनते। बस सही लग रहा है, सही वीडियो आ रहा है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत जबरदस्त लग रहा है। आप भी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, शेयर करो। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे ऐसे ही हमेशा। तो वीडियो खाली नहीं हुआ है, मतलब खत्म नहीं हुआ है गाइस, अभी तो और जर्नी बाकी, अभी तो अपना आधा दिन हुआ है, अभी तो और घूमना है और चीज दिखाता हूँ। भाऊ 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 कैसे पीछे पीछे हो गए, तो पूरा मतलब पूरा ऐसे ब्लैकआउट दिख रहे हैं। लाइट लगा लिया करो, अपने गाड़ी में स्टूडियो है, पूरा स्टूडियो लेके चलते अपन, पूरा जबरदस्त। जो लाइट आ रही है ना बहुत सनलाइट, बहुत सही आ रहा है। देखो अभी और क्या क्या दिखाता हूँ आपको इधर। हाँ तो गाइस हम बाल उद्यान की तरफ बढ़ रहे है, और आपको तो यहाँ का जो सीन है वो एक नंबर है, पूरा हरा भरा है। और बहुत सारे यहाँ पर आपको ये फुलपाखरू देखने मिल सकते हैं, जिस तरीके ये फुलपाखरू है। ज्यादा चेहरा मेरा नहीं दिखा सकते आपको, मगर आ गाइस आपको फुलपाखरू बहुत सारे दिखेंगे यहाँ पे। ये बॉम्बो ऑक्सीजन पार्क, ये बॉम्बो ऑक्सीजन पार्क मतलब बंद है, मगर वो बंद है वो। और ये वाली गाड़ी बहुत जबरदस्त है, मेरे को भी ऐसी वाली गाड़ी खरीदनी है। फुलपाखरू जिधर उधर, आपको इधर देखो या इधर देखो, इधर किधर है भाई? इधर ही। अरे भाऊ दिखान नहीं, इतने दिख रहे तुमको फुलपाखरू नहीं दिख रहे? हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं मतलब सेमिनरी हिल्स में, बाल उद्यान के पास में ही है। बट हमने सोचा कि थोड़ा देर रुक के यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया जाए, फोटो खींचा जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा रुके है यहाँ पर। हाँ तो भाइयों बताओ आपने कितने सारे फुलपाखरू देखे यहाँ पे? मैंने बहुत सारे फुलपाखरू देखे यहाँ पे, काफी ज्यादा फुलपाखरू देखने मिलेंगे आपको इस मतलब सेमिनरी हिल्स पे। काफी अच्छा है ये सेमिनरी हिल्स, अब यहाँ पर रख के देखते हैं। अरे मैं फ्रेम से ऊपर जा रहा हूँ, अरे भाई भाई फ्रेम से ऊपर गया हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दिए ना तो अपना मोबाइल लग जाता है इस तरीके से। ट्राइपॉड लिया होगा गाइस, जबरदस्त। थोड़ा सा झुक के बात करता हूँ। ये भाऊ भी झुक के बात कर रहा है। यहाँ पे आओ, मजा करो, मजा नहीं लाए, घूमो फिरो, ऐश करो बस। हाँ यहाँ पे बहुत सारे, वही बता, तितलिया
मिल जाएंगे आपको यहाँ पे करके आते और रात में जुगनू। हाँ तो गाइस कैसा लग रहा है आपको वीडियो, प्लीज यार लाइक एंड शेयर करो यार, मेरे साथ आओ भाई, आपको दिखाता हूँ इधर इधर भी गार्डन है गाइस, मगर इधर भी बंद वाला गार्डन है, देख सकते हो इधर बंद वाला गार्डन है। अरे मेरे बाप, तुम यहाँ पे आओ और आपको अंदाजा लगा। मैं शूट कर रहा था, शूट करते करते मेरा शूट बंद कर दिया ये। अरे मैं नहीं तो गलत बात कैसे, मैं बता रहा था ये मस्त ऐसा रोड है एक नंबर, प्राइवेसी प्राइवेसी क्यों खराब कर। हाँ सही बात है, हाँ हाँ चलो ठीक है ना, चलो एक टाइम पे तुम क्या क्या देखो और निकल लो। हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है, एक टाइम बाप रे तुम भी जो अपनी अपनी बात कर रहे हैं भाऊ, वो देखो और मेरे पे डाल रहे कि अपन निकलते थे, भाऊ अपनी बात बता रहा है और उसमें मेरे को फंसा रहा है। अब भाऊ बोल रहे कि भाऊ को भी ट्रेनिंग देंगे धीरे धीरे, भाऊ भी लेके आएगा मतलब फुल पाकरू घुमाने के लिए, दोस्त को घुमाने के लिए ला सकते हैं, उसमें क्या है। मोटे उद्यान दाखो तू बावले, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है सेमिनरी गार्डन बालू, ये है सेमिनरी गार्डन, और गाइस यहाँ पर जो होते हैं ना ये वाले घर से मतलब ऐसे बहुत सही सही है, एक नंबर है, जबरदस्त है चीजें है। चलो चलो चलो, बहुत जन आए गा बाबा, बहुत जन आए दीदी पूरी अंदर। हाँ अंदर सर, अंदर को तो बंद है ना, ते बाल उद्यान बंद है। ये देखो यार कैसा लग रहा है पता नहीं, ये क्योंकि एक ही स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप टूट गई मेरी। गरीबी गरीबी में गिलाटा, एक बेड़ा तू आला तो सर टीकर सेंटर को सेंटर सही है गाइस, बाहर मोबाइल नहीं लेके जा सकता गाइस, गिर जाएगा तो बड़ी रिस्क है गाइस। तुम जाते हैं जाते अगर जाने वाले लोग कुटून ही जाता सही है, मगर इधर ग्रीन ग्रीन माहौल जबरदस्त है भाऊ, एक्सपीरियंस है। अभी आए थे भाऊ के हॉस्टल पे तो ये है भाऊ का हॉस्टल, देख सकते हो ये है पूरा हॉस्टल भाऊ का, यहाँ पे आए थे बस ऐसे ही थोड़े मिलने को, सही था भाई यहाँ पे मैं आया भाऊ के हॉस्टल में, एक्सपीरियंस सही था, जो वो भाऊ वगैरह है अच्छे बात किए और सारा चीज अच्छा था। तुम तो यहाँ पे आए हो ना बहुत बार, तुमको तो फिर पूरी कहानी पता होगी। गोल्डन आर चालू हो गया गाइस, सनसेट मगर सन दिख रहा नहीं है गाइस, बट सनसेट चालू हो गया है वो देख सकते हो, बहुत सही है। गोरेवाड़ा की तरफ का ये रोड है, बहुत गजब लग रहा है, ये जो व्यू आ रहा है ना बहुत सही आ रहा है। अभी आइए गाइस हम मोमोज के पास, दहिया मोमोज काफी गजब मोमोज मिलते है, तो अभी ऑर्डर करेंगे अपन यहाँ पर दहिया मोमो। हाँ तो गाइस अभी यहाँ पर आए हैं दहिया दहिया मोमोज, इसके पहले भी आकर गए हम आकर गए हैं दुकान जो, और ये शायद मेरे को मेन ब्रांच है या क्या है पता नहीं, इतने सारे रेट्स दिख रहे। और भाई ये बता दे तेरा पेपर कैसा गया, क्योंकि वो वहाँ पे शूट करना रह गया था, बता कैसा गया बता ना। हाँ नैया, हाँ डूब गई नैया डूब गई, भाई का रिएक्शन देख लो तू चल आता घर तुझे दाखो तो तू नाव डुबली तो काट दो आता घर। अभी ऑर्डर करते खाते और फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस अभी फ्रेश होके आ गए हम, अभी फिर से अभी तक के ऑर्डर आने का है, और भाव भी पूरा मतलब फ्रेश होके आया है, देख सकते हो वो लग ही रहा है ना, क्योंकि बाल बाल थोड़े गीले हैं तो आपको लग ही सकता है। और इधर मोबाइल की सर्चिंग शुरू है कब तक के जो पता नहीं, ये भाव के लिए मोबाइल लेना है फटाफट फटाफट, तो सर्चिंग शुरू है। अभी हमने बुलाए हैं अपने मोमोज, कई सारे प्रकार के बुलाए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से बुलाए हैं हमने पनीर मोमोज, चिकन, चिकन चीज़ और चिकन पेरी पेरी, चार प्रकार के मोमोज बनाए और पनीर बुलाया है गाइस, तो देखो फटाफट तो जल्दी जल्दी आ जाएगा और जल्दी जल्दी खा के हम निकल जाएंगे। हाँ तो दोस्तों अपने मोमोज आ चुका है, अपना ऑर्डर आ चुका है, तो भाई अभी इंजॉय करते हैं अपना ऑर्डर। तो गाइस ये है अपना ऑर्डर, देख सकते हो यहाँ पे अपने चार प्रकार के मोमोज आ चुके हैं, क्लोजअप लुक लो, बहुत ही गजब लग रहे, बहुत ही एमी लग रहे, डिलीशियस लग रहे, चार प्रकार के चार है, पनीर है और तीन चिकन है, तो काफ़ी मज़ा आएगा इनको, तो इसे ट्राई करते हैं अभी अपन खा कर। हाँ तो गाइस अभी टेस्ट करते हैं अपना मोमोज, ये पता नहीं कौन सा है बट अच्छा लगेगा। अरे बाबा चिकन है, अच्छा लग रहा है, जो भी हो बेस्ट है ना, टेस्ट है ना, तो मज़ा आएगा। स्टफिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा डालते हैं ये लोग,
गॉड मजा आ रहा है गाइस। दहिया मोमोज तो मैं मिलता हूँ गाइस आपसे, ये फिनिश कर लेता हूँ पहले फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ तो गाइस हमने अभी दहिया मोमोज खाए और बहुत ही अच्छा लगा, सबकी हालत बदली क्योंकि वो पैरी पैरी नहीं किया, बहुत ही तीखा था। तो गाइस आपसे और मिलता, ये है दहिया मोमोज और ये है व्यू नागपुर का अभी फिलहाल का, जो कि है दहिया मोमोज के पास का, देखिए तो ये है नागपुर का व्यू फिलहाल। मैं मिलता हूँ गाइज आपसे अभी उधर ही सीधा। हाँ तो गाइज अभी देख सकते हो हम नागपुर में हैं और बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, और आगे में ही हल्दीराम है, दिखाओ भाई आगे में ही हल्दीराम है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अभी फटाफट निकलते हैं मोदा के लिए क्योंकि लेट भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, अभी हवा भरवाने के लिए सिर्फ रुके थे हम, फटाफट जाते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो गाइज जल्दी से जल्दी, दिखाता हूँ थोड़ा सा भी, अभी एंड करेंगे थोड़ी ही देर में। हाँ तो गाइज अभी हो चुका है अपना एंड, आज की जर्नी कैसी रही और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए गाइज। मैं ऐसे ही रोजाना व्लॉग्स लाते रहूंगा जब कहीं भी मैं ट्रिप रहती है या फिर कहीं घूमने जाता हूँ तो, मगर प्लीज गाइज इस वीडियो को यहाँ तक के जरूर से देखे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पर रेड कलर का बटन होगा लेफ्ट साइड में उसको ठोक के ग्रे कर दीजिए, मगर ग्रे हो जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ गाइज आपसे कल वगैरह, तो अभी गाइज आप ये व्यू एंजॉय करो, अभी तो हम तो जा रहे हैं अपने गांव जो कि है मोदा, और मैं आपसे थोड़े ही देर में मिलता हूँ गाइज, अभी तो घर पहुंचना है अपने को फटाफट से। और गाइज देख सकते हो यहाँ पे बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, आप देख रहे हो बारिश भी ज्यादा हो रही है, तो मैं मिलता हूँ गाइज आपसे, तो मैं मिलता हूँ गाइज आपसे कल सीधा, कल या फिर परसों मिलता होगा इसमें आपसे।